रहीम अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले टू माय चैनल किचन विद जिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की हमारी रेसिपी है मूंग की दाल के दही बल्ले। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल के दही बल्ले, तब इंतज़ार किस बात का, चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मूंग की दाल आधा किलो, जिसे ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। दही एक किलो, आइसिंग शुगर 3 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1/2 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1/2 टीस्पून, इमली की खट्टी चटनी 2 टेबलस्पून, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, इमली की मीठी चटनी 2 टेबलस्पून, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, चॉप धनिया 1 टेबलस्पून, चॉप हरी मिर्च 1 अदद, नमक 1 टीस्पून। अब हम मूंग की दाल को सबसे पहले चॉप करेंगे। ये देखिए मूंग की दाल हमने चॉप कर लिया है, ये हमें इस फॉर्म में चाहिए। देखिए अब दही में हम सबसे पहले आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अदरक पेस्ट, और कुछ मैं बचा के रख दूंगी, 1/4 टीस्पून लहसुन पेस्ट और कुछ मैं बचा के रख दूंगी, नमक ऐड करेंगे, हरी मिर्च, धनिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दही को, हम इसको साइड पे अब रखेंगे। दही बल्ले बनाने से पहले मेरे पास नीम गर्म पानी है बाउल में, इसमें हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे अब हम लोग रखेंगे। हमने जो मूंग की दाल का पेस्ट बनाया था उसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, जो अदरक पेस्ट हमने बचा के रखा था वो ऐड करेंगे, लहसुन पेस्ट जो बचा के रखा था वो ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा और कुटी हुई लाल मिर्च, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम दाल को हैंड बीटर से अच्छे से बीट करेंगे और जितना आप इसको बीट करेंगे उतने ही हमारे बल्ले अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले अपने हाथों को गीला करना है, थोड़ा सा ये लेंगे हम लोग, हथेली पे रखेंगे पेस्ट को, देखिए ये शेप देना है। दाल के भल्लों को हम लोग इसलिए ये शेप देते हैं कि चारों साइड से पक जाए, अंदर से और बाहर से अच्छे से। हम इसको डायरेक्ट गरम ऑयल में डालेंगे, जो मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया है। अब आप ये देखिए इसको ऑयल में डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस टाइम आपने स्पून से हिलाना नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए ऊपर आ चुके हैं। देखिए एक और डालती हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख्याल कीजिएगा क्योंकि ऑयल गरम है। ये देखिए एक साइड इनका पक चुका है, अब हम इसको टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अब हम कुछ देर इनको पकाएंगे। ये देखिए ये पक चुके हैं। अब हम इसको पानी में डालेंगे, जो हमारे पास नीम गर्म पानी था जिसमें हमने सॉल्ट डाला था उसी में हम इसको अब डालेंगे। ये देखिए निकाल, ये देखिए निकाल के और पानी में डालेंगे अब हम। ये देखिए तमाम को मैंने पानी में निकाल दिया है। अब 10 मिनट तक हम इसको पानी में रखेंगे। अब हम इसको ये देखिए उठाएंगे पानी से, हथेली पे रख के हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना टूट जाएंगे। हल्के से दबाना है, ये देखिए पानी निकल जाए। और अब हम इसे डिश में रखेंगे यूं। देखिए तमाम हम निकाल चुके हैं भले। अब हम इस पे दही डालेंगे, देखिए ऐड करेंगे सारा। देखिए अब हम इस पे चाट मसाला डालेंगे। देखिए और इसमें इमली की मीठी चटनी, ये देखिए और इमली की तीखी चटनी। अब ये रेडी है मूंग की दाल के दही बल्ले। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन विद जिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं जैसे ही न्यू रेसिपीज़ की वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह।